नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदू व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। नाजरीन, शहर के देवर जीवनहली इलाके में वाकई अल्लामीन बीबी फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल के नए कमरों और कंप्यूटर सेंटर का इफ्ताह अमल में आया। इस मौके पर अल्लामीन एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन जनाब उमर इस्माइल खान ने खिताब करते हुए बताया कि 1966 में उनके वालिद मोहतरम डॉक्टर मुमताज खान और उनकी टीम ने अल्लामीन की तहरीक शुरू की थी। आज इस तरह की सरगर्मियाँ दूर दूर तक फैल गई है और कई इदारे कायम हो गए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के कई बड़े शहरों में अल्लामीन के स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं और कई जगह तामीरती काम भी जारी है। जनाब उमर इस्माइल ने कहा कि अल्लामीन बीबी फातिमा स्कूल में गुज़िश्ता 2 साल से बड़ी तब्दील आई है। इस मौके पर अल्लामीन बीबी फातिमा स्कूल के इंचार्ज और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका के अदर रोजनामा पासवान के एडिटर जनाब उबैदुल्ला शरीफ मानों का मकदम करते हुए बताया कि 37 साल कबल डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने इस स्कूल की बुनियाद डाली थी। जनाब जियाउल्लाह शरीफ ने इस जगह को खरीदा था और जनाब इरफान रजाक ने स्कूल के कमरे तामीर किए थे। उबैदुल्ला शरीफ ने अल्लामीन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब जुबैर अनवर की खिदमत की तारीफ करते हुए बताया कि शहर में मुस्लिम इदारों की तामीर और तरक्की में मैमून बरादरी का तावीन रहा है। उन्होंने तुलबा के वालिदैन को नसीहत की और अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, कम उम्र में बच्चों की शादियां ना करें। मौके पर समाजी कारकुन मोहतरमा फिरदौस ने भी वालिदैन को नसीहत की, बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी सिखाई और नमाजों की पाबंदी कराई है। इस मौके पर जनाब मुबीन मुनव्वर खिताब करते हुए बताया कि इस स्कूल में तकरीबन 100 तुलबा को ट्यूशन देने का भी इंतजाम किया गया है। इस मौके पर सरकारी स्कूल के CRP मोहतरमा फैजे अजमल और मोहतरमा संजीदा सुमेला ने भी खिताब किया। आज की इस तकरीब में गौसिया एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन अहमद सिराज, अल्लामीन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जुबैर अनवर, बिलाल अहमद, नयाज अहमद, सिराज अहमद की आहलिया मोहतरमा फिरदौस बेगम साहिबा, सईद अहमद, साकिब अहमद, जफरुल्लाह खान वगैरह मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। के वालिदैन को इस मौके पर राशन की तकसीम किए। अमरीन ताज ने अपने बेहतरीन अंदाज में निजामत के फराइज अंजाम दिए। स्कूल के प्रिंसिपल शाहनाज बेगम ने आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। वहीदुल निसा ने सालाना रिपोर्ट पेश किया। आखिर में शिफा खानम ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। हेमंत चाड़ा टीचर के अलावा फिरदौस खान मौजूद। अली की स्कूल जो है तकरीबन 2 साल से हम मैनेजमेंट नायबाद से यहाँ काम कर रहे हैं। उबैदुल्ला शरीफ साहब की खास मेहनत है, ये स्कूल का नक्शा ही बदल दिए हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नए स्टाफ आए हैं, ये सब चीज़ों से हमारा ये इदारा बहुत आगे निकल गए हैं और इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और स्ट्रेंथ जो है तकरीबन 100 से अब तकरीबन 500 बच्चे आ गए हैं और दूसरे इलाकों हम न्यूज़ पर मालूम हो रही है कि दूसरे स्कूल जो आजू बाजू से हैं वहाँ से बच्चे छोड़ के इस स्कूल में आ रहे हैं। तो हर तरीके से ख्याल रख रहे हैं, पेरेंट्स का ख्याल है, स्टूडेंट्स का ख्याल है, यूनिफॉर्म, बुक्स, शूज़ सब यहाँ बच्चों को दिए जा रहा है और स्टाफ भी अच्छे, इंशाल्लाह इसके बाद अच्छी रिजल्ट भी आएगा और आगे इंशाल्लाह हम PUC भी इधर कायम करेंगे ताकि बच्चे 10th पढ़ने के बाद PUC का जैसे एजुकेशन भी यहाँ ले सकें। आज जो इफ्तिताह अमल में आया है एक ब्लॉक का, तो यहाँ पर किसकी जानिब से काम हुआ है और कितना बजट इसके लिए मतलब? ये जो है आज ये इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर इनॉग्रेट हुआ है, तो इसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर इनॉग्रेट हुआ है और फर्स्ट फ्लोर किसमें एक हॉल, कम्युनिटी हॉल, एक फंक्शन हॉल, एक कंप्यूटर लैब, ऑफिस, 2 क्लासरूम इनॉग्रेट हुए हैं। उसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर में जो रिपेयर था वो रिपेयर वर्क पूरा हुआ है, पूरे विंडोज़ को जो है नए ग्रिल और नया UPC विंडोज़ लगाए हैं और सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, तो ये सब काम हुआ है। तकरीबन आप देखेंगे तो बिल्कुल नई स्कूल लग रही है, पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क सब हुआ है। तो ये आज इसका हुआ है, तकरीबन 2 साल के मेहनत के बाद ये बिल्डिंग का आज ये नक्शा बना है। अल्लामीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से काम जी हुआ है। ये अल्लामीन एजुकेशन सोसाइटी जो है हम हेड ऑफिस है हमारे लालबाग में, वहाँ से जो है हम कंट्रीब्यूट किए हैं, तकरीबन 30 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन में लगे हैं। इसके अलावा उबैदुल्ला शरीफ साहब ने उन्होंने भी मोटिवेट किए हैं लोगों को और कंप्यूटर लैब और दूसरे फर्नीचर वगैरह जो है दूसरों के साथ भेज के मदद से ये काम पूरा हमारा एक काम हुआ है। इसी तरह अल्लामीन कंबोल पोस्ट स्कूल जो है वहाँ पे भी काम हो रहा है
वहाँ की भी अलग कमेटी है, वो कमेटी के जरिए जो है वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, स्टाफ नए आए हैं, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी है, वहाँ पे भी इसी तरीके से काम हो रहा है। वीडियो के जरिए से आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बच्चों को से ज़्यादा पेरेंट्स को मैसेज देना है कि बच्चों को पढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए, एजुकेशन हमारा कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा होप है। जो अच्छा पढ़ लेते हैं उनको अच्छे जॉब्स मिलेंगे, एक इनकम अच्छी होगी और उनका फ्यूचर अच्छा बनता है। तो कुछ भी बच्चों को जॉब में मत डालिए या कहीं और मत भेजिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजिए, पीयूसी पढ़ने के बाद स्कूल के बाद पीयूसी में एडमिशन कराएं, उसके बाद हमारे पास है और भी इदारे हैं जो बच्चे आगे भी पढ़ सकते हैं। आपकी दो रंजिशें थी कि उन्होंने इस जगह जो है एक स्कूल शुरू करना, एक कायम करने का सोचा। सारे बंगलोर में अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये जायदाद है। मैं इस वक्त जो है उन हजरात का भी जो है शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये जमीन अलमीन एजुकेशन सोसाइटी को दी, जियाउल्लाह शरीफ साहब। और नीचे की जो इमारत है उस जमाने में इरफान रजक साहब ने तामीर की। कई बरसों तक जो है इस स्कूल को अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के जो पहले ओहदेदारान थे उन्होंने बहुत ही नजरअंदाज कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया था। मुझे खुशी है इस बात की कि जब से नई कमेटी बनी, मैनेजिंग कमेटी, और उसकी सदारत उमर इस्माइल खान साहब ने संभाला और एक नई टीम उभर कर आई जिसमें अहमद शरीफ सिराज साहब, जुबैर अनवर साहब, ये तमाम जो यहाँ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उन्होंने ना सिर्फ देवर जीवनहल्ली बल्कि जितने भी अल्लामीन के इदारे शुरू में हम आए थे तो आप सब जानते हैं यहाँ 85 बच्चे, 85 स्टूडेंट, और नीचे की जो बिल्डिंग थी, नीचे की और ऊपर की इस तरफ की सीधा हाथ तरफ की, बहुत खस्ता हालत में थी। ऊपर से जो है जब बरसात आता तो पानी लीक होता था। सामने हमारे जो अब एक वाटर प्लांट लगा है वहां जो है ये कचरे का ढेर हुआ करता था, यहाँ के तमाम लोग कचरा लाके यहाँ फेंक कर जाते थे। बैतुल खुला टॉयलेट पीछे थे जिनकी हालत बहुत खराब थी। यहाँ के जो एमएलए थे पहले अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उन्होंने यहाँ के सामने जो टॉयलेट्स है वो टॉयलेट्स तामीर करके दी, और ये जो कॉम्पाउंड वाल है उन्होंने बनाकर दिया, पीछे की जो टॉयलेट्स है उसको भी रिपेयर करवाया। एक बार जो है उमर इस्माइल खान साहब यहां आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि सोसाइटी क्या करना चाहिए, हमारे क्या, हमारे लिए आप चाहते हैं कि हम क्या करें। तो मैं ऐसे ही कह दिया कि ऊपर बिल्डिंग बांध दीजिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उन्होंने फौरन कहा हां कर देंगे। आज जो ऊपर पहली फ्लोर का जो इफ्तिताह हुआ है उमर इस्माइल खान साहब के हाथों, जिसमें ये कंप्यूटर रूम है, एक साइंस लैब है, एक सोसाइटी के लिए ऑफिस है, एक मल्टीपर्पज हॉल है, ये जो है लाइब्रेरी है, एक क्लासरूम है, ये सब जो है मैं समझता हूं अलमीन एजुकेशन सोसाइटी और उमर इस्माइल खान साहब, सिराज साहब, जुबैर साहब, मैं इनका तहे दिल से आप तमाम लोगों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। जहां 85 बच्चे थे आज उसी स्कूल में जो है 450 बच्चे पढ़ते हैं। नर्सरी के बच्चे तकरीबन 65 बच्चे अपनी क्लासरूम में बैठे हैं अभी भी। हमने उनको वहां इसलिए बिठाया कि यहां अगर वो आएंगे तो थोड़ा सा शोर मचाएंगे। उमर इस्माइल खान साहब के फर्जंद यहां हैं आज, बिलाल अहमद खान, ये चारवां जनरेशन है इनका जो इस फील्ड में काम कर रहा है एजुकेशन। पहले उमर इस्माइल खान साहब के दादी, फिर डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब, अब
उमर इस्माइल खान साहब, उनके साथ जो है बिलाल अहमद खान। मैं समझता हूं ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला जिन लोगों को चुन लेते हैं कि कुछ काम करे, कि इनसे ये काम लेना है। डॉक्टर साहब को चुना, कर्नाटक में जो है तालीम के इसमें काम कर रहा है, तालीमी इदारे नहीं थे, डॉक्टर साहब ने एक टीम बनाई और एक ऐसा इनकलाब लेकर आया इस मुल्क हिंदुस्तान में, कर्नाटक में शुरू किया, लेकिन उसका असर सारे मुल्क में पड़ा और जा बजा जो है इदारे बनने लगे, तालीमी इदारे। और ये तालीमी इदारे आज लाखों करोड़ों बच्चों को जो है तालीम दे रही है। अलमीन से पढ़ लिख कर जो बच्चे आए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, कई हमारे स्कूल में खुद जो है टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, हर एक फील्ड में जो है अलमीन से फारिग हुए तलबा जो है आज खिदमत अंजाम दे रहे हैं। किसी भी कौम की निशानी, उसकी तरक्की की निशानी यही होती है कि उस कौम में कितने तालीम याफ्ता लोग हैं। मैं जब छोटा था शहर बेंगलोर में, अगर एक ग्रेजुएट होता तो हम कहते थे देखिए ये एक ग्रेजुएट है, ये बीएससी है, ये एमए है। आज हर घर में एक ग्रेजुएट है मुसलमानों में। ये अल्लाह का लाख लाख फजल करम है कि डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब और उनके साथियों ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया और उस मशाल को आगे ले जाने के लिए उमर इस्माइल खान, जुबैर अनवर साहब, अहमद शरीफ सिराज साहब, ये सब लोग पढ़ रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। उमर इस्माइल खान एक पढ़े लिखे शख्सियत है, उनको जो है अल्लाह ताला ने काफी नवाजा है, आराम से रह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के बाद उन्होंने इस ओहदे को संभाला और ये साबित कर दिया कि ये इदारे को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये इदारे को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से सारे कर्नाटक में जो इदारे हैं अलमीन के, जिस तरीके से आप जो है उनकी मरम्मत करा रहे हैं, बिल्डिंगें नई तामीर कर रहे हैं, फर्स्ट बालाई मंजिल का जो इफ्तिताह हुआ और यहां पर जो मुखर्रीन ने अपनी तहरीर में अपनी तमाम बातों को बता दिया, मैं उससे हटकर सिर्फ दो बातें ये बता देना चाहता हूं कि जिन हजरात ने यहां पर हमारे इस इदारे को चलने के लिए चला रहे हैं, जो भी खिदमत कर रहे हैं, वो सिर्फ यहां के लिए नहीं बल्कि आलमीन कंबल पोश में भी उनका साथ है। ये इदारे के साथ साथ अलमीन कमल पोश में भी राशन तकसीम किया जाता है, वहां भी यही यूनिफॉर्म हो, आपको सोसाइटी की तरफ से आ जाता है, उसकी सिलाई हो या जो कुछ भी हो, वो तमाम उन्हीं लोगों की तरफ से चलता है जो यहां पर चल रहा है। उसके साथ ही साथ आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नई इमारत बनने के बाद यहां पर तकरीबन 100 बच्चे एसएसएलसी के और 100 बच्चे पीयूसी के, उन्हें ट्यूशन दिया जा रहा है। उन्हें पूरा ट्यूशन हर दिन शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक वो बच्चे आ रहे हैं, 100 बच्चे हैं और उनकी जो पढ़ाने वाले हैं लेक्चरर्स हैं, उनकी सैलरी अमेरिका के कोई डॉक्टर्स हैं वो शेयर करते हैं, बाकी यहाँ की जो जिम्मेदारी है हमारी अंजुमन की तरफ से हो रही है, जो वो हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम के बच्चों को आगे आने के लिए ये काम किया जा रहा है। और उसके अलावा जब यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, जिन जिन्होंने यहाँ पर इसका साथ दिया,
हम उन तमाम के शुक्रगुजार हैं, जनाब रहमान खान साहब के फर्जंदान हो या यहाँ की ऊपरी बिल्डिंग के बनाने में उमर इस्माइल खान साहब का साथ मिला, उन तमाम का दिल की गहराइयों से अंजुमन तरक्की उर्दू हो या हम जिम्मेदारान जो भी यहाँ पर हम उसका काम कर रहे हैं, तमाम को स्कॉलरशिप्स भी कहाँ कहाँ से लाके देते हैं, कहाँ जहाँ भी उबैदुल्ला शरीफ साहब की बात चलती है वहाँ से एप्लीकेशंस मंगाते हैं, यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, वहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। बहरकैफ हर लम्हा हर मिनट ये एक ही फिक्र है कि हमारी कौम के बच्चे पढ़ें, हमारी कौम आगे आए। हम इस लिए काम कर रहे हैं, ना हमें इसका कोई किसी से सिला चाहिए ना कुछ, जो कुछ अजर होगा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेगा। हम यही नीयत लेकर काम कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें उस पर कायम रहें। आप तमाम से यही इल्तिजा है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, आगे लाने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे एक साथी सरमद अहमद जो है उनकी तरफ से उन्होंने ये कंप्यूटर्स लगाई है। मैं गुजारिश करता हूँ सरमद से यहाँ आए, हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो है उनको जो है आप नियत दबाए। बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद होता है, बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद होता है। बच्चे जो माँ से सीखते हैं वही आकर स्कूल में करते हैं, इसलिए बच्चों को अच्छी तरह से पाले। पहली बात एक आपको वाकया सुनाती हूँ। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह उन्होंने शेर को फाड़ दिया, इतनी ताकत रखते थे। तो उनकी वालिदा से पूछा गया कि आपने क्या खिला के बच्चे को पाला है जो इतनी ताकत रखता है। तो उनकी वालिदा ने क्या कहा मालूम, सबसे पहले मैं मेरे बच्चे को कलमा पढ़कर दूध पिलाती थी, सबसे पहले मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़कर दूध पिलाती थी। तो ऐसी माएं हुआ करती थी जिनके बच्चे ऐसे शहीद, पहले मुजाहिदीन थे वो, आजादी की पहली जंग उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, जबकि मुसलमानों के जो अच्छे अच्छे वाकयात होते हैं ये लोग दबा देते हैं, दूसरों के नाम बोलते हैं। जो उनकी वालिदा साहिबा ने ऐसा किया, और ऐसे बहुत से वाकयात हैं इस्लाम में। जमाना जाहिलियत के पहले औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, भाई को बच्चों को, तो हज़रत सल्लम ने इस रिवाज को ख़त्म किया और हमें जीने का मुकाम पैदा फरमाया, औरतों को इज्जत अफजाई की है। तो इसमें औरत को घर में ऐसे रहने चाहिए, सबसे पहले तो उसको अपने घर को संभालना चाहिए। औरत के लिए और एक नसीहत है, जब औरत अपने शौहर को उसको गुलाम बना कर रखती है तो वो क्या कहलाती है, गुलाम की बीवी कहलाती है। जब बादशाह बना कर रहती है तो उसकी मलिका कहलाती है। समझ में आई बात? तो औरत पहले अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, घर में बच्चों को अच्छी तालीम दे, वहाँ से आकर साथीदार को भी नसीहत की ज़रूरत पड़ती है, वो बच्चों को अपने बच्चों के जैसा पढ़ाएं सिखाएं आगे बढ़ाएं। दीन को इसके साथ साथ दीन का होना भी ज़रूरी है, नमाज की पाबंदी कराएं। सबसे पहली पूछ इंसान को नमाज की है, अल्लाह ताला के पास सबसे पहले नमाज की पूछ है, इसलिए नमाज की पाबंदी बच्चों को सिखाइए, दीन सिखाइए। ये इदारा तो इतनी दूर तक आ गया, इसके तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बता दिया। फिर भी मैं डॉक्टर अहमद खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने उनके साथ बहुत दिन बिताए, वो मुझे अपनी बहू के जैसा मानते थे। उनका कहना था कि मैं यूं ही चला जा रहा था, लोग आते गए और कारवां बन गया, ऐसा बताते थे वो। और मेरे ससुर वो भी बहुत तालीम के लिए, उन्होंने भी वो अनपढ़ थे फिर भी जद्दोजहद करके बहुत तालीम को आगे बढ़ाए। आज इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक अनपढ़ इंसान जब इतने इतने बड़े कॉलेजेस बना सकता है तो उसके पास अल्लाह का अजर क्या होगा सोचिए। तो मेरी ये गुजारिश है कि दोनों के लिए सब आप उठकर होकर एक दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़िए सब उठकर, दोनों की रूह को पहुँचाइए एक दरूद शरीफ का नजराना। اللهم صل على محمد و
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لتنذر قوما ما أنذر ما أكثرهم فهم لا يؤمنون إن وجعلنا من بين أيديهم हमको अभी तैबा के नजारे नहीं भूले हमको अभी तैबा के नजारे नहीं भूले दिन रात जो जन्नत में गुजारे नहीं भूले दिन रात जो जन्नत में गुजारे नहीं भूले आँखों में समाया है मेरे गुम माशाअल्लाह शुक्रिया
पर मैं यहाँ पर बैठना मेरा जो है बेकार हो जाएगा। उबेदुल्ला सर ऐसी शख्सियत है, वो लाजवाब है। एक छोटा सा एक वाक्या मैं बताना है, किसी के दिल में क्या है ये तो रब ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फंसाते। तो अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी सुना मैं उसे रिपीट नहीं करूंगी, बस एक जुमले में इस शख्सियत की मैं तारीफ करूंगी कि इनकी तारीफ करना सूरज को चराग दिखाने के मिसाल है। तो मैं उबेदुल्ला सर को भी और मुबीन मुनव्वर साहब को और यहाँ पे हमारे जो फिरदोस फिर रहे थे उनको, इन तीनों शख्सियत को ही मैं जानती हूँ, इन्हीं से मैं अलमीन से कनेक्ट हुई हूँ। और both in academic and improvement of infrastructure, ensuring that our school environment remains safe, modern and welcoming to all. The late chairman Dr. Mumtaz Ahmad Khan, founder of the Al-Ameen Educational Society, his vision transformed education and his dedication impacted countless lives in our very own Al-Ameen School DJ Halli branch. He received a place in Jannatul Firdaus. Ameen, Summa Ameen. I would like to especially recognize and appreciate our इस कचरे के ढेर को उठाने के लिए यहाँ की जो मिलत के लिए है, उस जज्बे को देखकर हमारे अंदर भी वह जज्बा पैदा होता है, इसके लिए तारीफ करना जरूरी है सर। आज के इस जलसे की रौनक जिनके वालिद मरहूम मुमताज अहमद खान साहब जो तालीमी मैदान में जो खिदमत किया है उसे कोई भी इंसान फरामोश नहीं कर सकता। ऐसी अजीम हस्ती के फर्जंद जनाब उमर इस्माइल खान साहब जो अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन होने के बावजूद मिजाज में इतनी सादगी, जिनके नेक अखलाक का सबूत हमें इस बात से चलता है कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद हम जैसे टीचर को बगैर फख्र किए बिना जिस तरह नरमी से बात करते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज इनकी जबान से कीमती जुमले सुनने का मौका मिल रहा है। मैं शेर के साथ आपको दावत देती हूँ कि वो आए और अपने कीमती कलमा से हमें नवाजें। तशरीफ यहाँ लाकर महफिल ये सवारी है, तशरीफ यहाँ लाकर महफिल ये सवारी है, आप यहाँ आए तकदीर ये हमारी। असर पूरे कर्नाटक में हिंदुस्तान में हो रहा है। ये हमारे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज अहमद खान और उनकी टीम की मेहनत से शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे चले गया है इसमें, मूवमेंट में एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, बैंक, हज हाउस, स्पोर्ट्स क्लब्स, ये सब शामिल थे। अब जो है अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी का मैं चेयरमैन हूँ, मेरी टीम है, हम सिर्फ एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। जो भी लोग इस इदारे बनाने में शामिल हैं, जैसा उबेदुल्ला शरीफ साहब ने बताया कि एक टीम एफर्ट था हमेशा, कि टीम बनती गई और एक इदारे कायम होते गए, अलग अलग इदारे अलग अलग टीम कायम की। तो इस इदारे में जो भी लोग शामिल हुए जिसके वजह से आज हम बैठे हैं, ये जमीन लिए गए हैं, आज सब उन सबको याद करते हैं और उनकी उन दुआ करते हैं अल्लाह उन सबको जो है इसका जजाय खैर अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जितने भी स्कूल हैं, जैसा बिदर में स्कूल हैं, गुलबरगा में हैं, श्रीनिवासपुर, कोलार, मस्कोटे, चिकमंगलूर, हासन, चिपटूर, अरसिकेरे, सकलेशपुर, चनपटना, जितने भी हमारे इदारे हैं सब वहाँ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो रहा है। रिसेंटली हमारे श्रीनिवासपुर में बड़ा अच्छे अंदाज से कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, आज चनपटना में चल रहा है। लास्ट थर्सडे मैं, साकिब और यूसुफ असलम, फिर पशा कमाल सकलेशपुर स्कूल को विजिट करे और वहाँ पे जो नया सेमिनार हॉल बनाया जा रहा है और टॉयलेट्स की मरम्मत हो रही है, क्लासरूम्स की मरम्मत हो रही है, उसका इंस्पेक्शन करके आए। फिर एक महीने के बाद हमारी वो टीम जाएंगे साकिबुल्लाह के साथ और दो महीने के बाद मैं भी विजिट करूंगा तो वो भी मुकम्मल होगा। हासन में एक स्कूल में कंप्लीट सेकेंड फ्लोर नया बनाए और वो 8 साल तक की स्कूल वो अब जो बनाए हैं, अब 9th-10th भी वहाँ हो जाएगा। तो हर जगह अल्लाह के फजल से
को एक मेहनत है, काम चल रहा है और हमारे जो बड़े कॉलेजेस हैं हायर लेवल के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस उसमें भी ज्यादा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। ये स्कूल जो है माशाल्लाह जब हम आए थे इधर समझो दो साल पहले, दो साल के बहुत ज्यादा फर्क है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम लंबा अरसा रहा है, दो साल में स्कूल में इतने चेंजेस आए हैं। जब हम एंटर हुए तो गेट की हालत थी, वो दीवार की हालत, वो एंट्रेंस, फिर यहाँ पूरा कचरा पड़ा हुआ एक रूम इधर, और यहाँ जो माहौल था जो स्टाफ का जो डिमोटिवेटेड थे और ऐसे ही चल रहा था, कोई भी उन पर हैबर नहीं था, ये बड़ी बड़ी खराब हालत में थी। लेकिन आज का जो माहौल है बिल्कुल उसका उल्टा है, ऑपोजिट है, यहाँ एक मोटिवेटेड हो गए स्टाफ पे खुशी है और एक और उम्मीद है कि अच्छा काम होगा। और यहाँ पे जो गरीबों को जो राशन बांट दिया जा रहा है, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है कि सबसे अच्छा सफा किसी को पेट भर का खाना खिलाए किसी जानदार को, ये भी इधर हो रहा है। जो बच्चे कपड़े पहन के आए हैं, जो स्कार्फ हैं, जो बच्चे हमारे शूज पहने हैं, ये सब जो है हमारे यहाँ की जो टीम है उबैदुल्लाह शरीफ साहब और उनके दोस्तों की मेहनत है। ये बहुत बड़ा काम है कि इस इलाके में इतना अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। जैसे हम ये रोड में आ रहे हैं, आप देखिए ये रास्ता जो हमें तय करके आए टैंडी रोड से या दूसरे इलाके से, पूरा रास्ता जो है बारीक गली, कचरा, और दीवारें जो हैं बिल्कुल सालों से पेंट नहीं किए हुए, और ऐसा इन्हें पेवमेंट नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है। लेकिन जब स्कूल के अंदर आ जाएं तो टोटली माहौल बेहतर है, एकदम अलग है माहौल। फिर बाहर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हम ये टोटल स्लम एरिया है, ये स्लम में इतना अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सामने जैसा बताया कि एकदम गंदी दीवार थी और पूरा कचरा उधर लोग डालते थे, अब जो कितनी ब्यूटीफुल दीवार हो गई है, ये बिल्डिंग की भी जो है जो काम हुआ है, देखिए काम जो हुआ है याद भी नहीं है इतना काम हुआ है स्कूल में माशाल्लाह। जो आप हम बैठे हैं और जो हम दो साल पहले देखे थे, बड़े अब्दुल्ला शरीफ साहब हैं, और समझो कि हालांकि ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और एक बहुत ऊंचे मुकाम रखते हैं, फिर भी गरीबों के बीच में ग्रास रूट्स में काम करना, उठना बैठना, ये लोगों को राशन देख के जो खुश होना, ये बहुत बड़ी बात है, ये एक नेक इंसान की निशानी है। डॉक्टर अहमद शरीफ सराज साहब जो गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट के सदर हैं, गौसिया में हमारे पास दो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक पॉलिटेक्निक, एक ITI, एक PUC कॉलेज है, और इंशाल्लाह अब जो है और भी रामनगर में BBA BCA नए कोर्स भी शुरू हो गए हैं। ये सब इदारों के ये सदर हैं, साइलेंट वर्कर हैं और बड़े मददगार हैं, जैसे इनके वालिद साहब बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, बड़ा उनके वालिद साहब के साथ मुझे सफर करने का मौका हुआ है तो मैं देखा हूं कि किस अंदाज से वो कंट्रीब्यूशन देते थे, हमेशा मेरे वालिद को सपोर्ट करते थे, तो ये अंदाज सिराज साहब का भी है। हम कोई भी काम करें हमें सपोर्ट मिलता है और एक हमेशा एक ग्रीन सिग्नल है कोई भी काम पॉजिटिव काम के लिए। ये जो बच्चे जो भी यहाँ बुक्स मिलते हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, शूज, और जो इंशाल्लाह अब जो गवर्नमेंट से खाना आना शुरू होगा यहाँ पे, और जो भी फर्नीचर है ये सब जो है हमारे सिराज साहब और उबैदुल्लाह शरीफ साहब की मेहनत से यहाँ बच्चों को फरम हुआ है। आज मेरे साथ जो टीम आई है उसमें अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी के प्रेसिडेंट MZ अली साहब हैं, उसके सेक्रेटरी साकिबुल्ला साहब हैं, अलमीन के जॉइंट सेक्रेटरी अफजल भाई हैं, ये सब हमारी टीम के बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हर जगह करते हैं, काम करते हैं, घुसते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे भी साकिबुल्ला अफजल कई बार आए, मेरे आने से पहले भी कई बार आए, और ये बिल्डिंग के जब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था उनका उन्होंने एडवाइस दिए, गाइडेंस दिए, और एक उनका जो एक्सपीरियंस है यहाँ शेयर किए, तो उन्होंने भी हमारे आज यहाँ शामिल हैं। अकरम साहब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाए, और हमारे अलमीन में भी दूसरे काम किए, हॉस्पिटल में भी काम किए, फार्मेसी कॉलेज में भी काम किए हैं, उनका भी मैं इस मौके पर शुक्रिया करता हूँ। और यहाँ की जो स्टाफ है माशाल्लाह, जो भी जो प्रिंसिपल हैं वही दूसरा मैडम हैं, और जो भी स्टाफ है एक नाम लेना मुनासिब नहीं है, और हनुमान तापा है, ये पूरा काम करते हैं, ये लोग गवर्नमेंट ऑफिस में करते हैं, अब उनका ग्रांटी नेट भी हुआ है, गवर्नमेंट से अच्छे सैलरीज आएंगे इंशाल्लाह, तो ये सब उनको भी बेनिफिट है, इदारे को भी बेनिफिट है, और उनके ग्रांटी नेट होने की वजह से अब गवर्नमेंट से यहाँ लंच भी आएगा बच्चों के लिए, और ये सब काम अच्छे काम यहाँ हो रहे हैं। और रहमान खान साहब की फैमिली, डॉक्टर के रहमान खान साहब अलमीन के लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके जो भी बच्चे हैं माशाल्लाह, तीन भी मर्द बच्चे जो हैं, बड़े नेक बच्चे हैं,
और कभी नहीं नहीं बोलते, कोई भी काम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने रेडी है हमेशा। ये उबैदुल्ला शरीफ साहब जो उनके खान साहब से अच्छे ताल्लुक हैं, उसके वजह से ये जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है मिलता रहेगा, बहुत किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस मौके पे आप सब लोग उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको जो है खैर दे।